कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कायस्थ विकास परिषद विगत कई वर्षों से संपूर्ण देश व प्रदेश में कायस्थ समाज में राजनीतिक उदासीनता को दूर कर राजनीतिक चेतना का अलख जगाने का कार्य कर रहा है। कायस्थ समाज के लगभग 1,10,000 से अधिक कायस्थों को एकजुट करने के लिए 26 मार्च रविवार को एक विशाल कायस्थ स्वाभिमान रैली 9 बजे से जेपी चौक असुरन से लोक नायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया जाएगा, जो कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री चौक पर पहुंचकर शास्त्री प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 11 बजे गोरखपुर क्लब पहुंचेगी, जहां पर महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगर कायस्थ समाज एकजुट होकर अपने मान सम्मान की लड़ाई एकजुटता दिखाते हुए लड़े तो कायस्थ समाज किसी भी सम्मान को पाने के लिए मोहताज नहीं होगा, लेकिन एकजुटता दिखाने में कायस्थ समाज एक दूसरे का पैर खींचने में लगे रहते हैं। अब समय आ गया है कि कायस्थ समाज को एकजुट होकर कायस्थ बिरादरी को किसी एक को अपना मुखिया बनाकर उसके देखरेख में अपने मान सम्मान की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ना चाहिए। यह तभी संभव है जब कायस्थ समाज एकजुट होकर अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि खोई हुई राजनीतिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने का संकल्प लेकर कायस्थ विकास परिषद पूरे प्रदेश में राजनीतिक अलख जगाने का कार्य कर रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, विशिष्ट अतिथि वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, बाराबंकी के पूर्व चेयरमैन रणजीत बहादुर श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दीपक रंजन श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल सक्सेना, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष आरसी श्रीवास्तव उपस्थित रहेंगे। संरक्षक ध्रुव कुमार श्रीवास्तव ने महानगर कायस्थ समाज के सभी सम्मानित लोगों से अधिक संख्या में रैली में सम्मिलित होकर सम्मेलन को सफल बनाने का आग्रह किया। वहीं इस संबंध में संरक्षक ध्रुव श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में कायस्थ विकास परिषद के पदाधिकारी अपने साथियों के साथ इस स्वाभिमान रैली व महासम्मेलन में आ रहे हैं। इस रैली एवं महासम्मेलन को महानगर के सभी सम्मानित चित्रांश समितियों का समर्थन प्राप्त है। निश्चित रूप से ये एक सफल एवं ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा, संरक्षक ध्रुव श्रीवास्तव ने कहा, 26 मार्च को कायस्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित कायस्थ स्वाभिमान रैली एवं सम्मेलन के संदर्भ में यह प्रेस वार्ता है। कायस्थ समाज की सभी महानगर की सम्मानित चित्रांश समितियां इसमें भाग लेंगी। प्रदेश से कायस्थ विकास परिषद के सभी पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम कायस्थ समाज की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया है। विगत कई वर्षों से कायस्थ समाज को राजनीति से दूर रखने का काम, राजनीति में सम्मानजनक जगह न देने का काम राजनीतिक दलों ने किया है। इसलिए कायस्थ विकास परिषद एक आंदोलन के रूप में पूरे प्रदेश में राजनीतिक जागरूकता का अलग जगा रहा है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमने बताया कि कायस्थ समाज की सभी महानगर की सम्मानित समितियां साथ में हैं। हम उनसे यह आग्रह करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में आए। वैद्य राजीव सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ विकास परिषद। ये कायस्थ स्वाभिमान रैली कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में एक रैली हो रही है, जो पूरे एक समग्र रूप से कायस्थों के एक राजनीतिक चेतना के लिए ही ये रैली की है। कितने लोग शामिल होंगे? मेरा मानना है कम से कम 5,000 लोग इसमें शामिल होंगे। ये गोरखपुर क्लब में इसका आयोजन है। मूल रूप से इसका उद्देश्य यही है कि जो कायस्थ स्वतंत्रता के बाद, अगर आप तुरंत कहीं आंकड़ों पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस समय चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, राज्यवार स्थिति 2.5 अंकों में इनकी होती थी, आज वो एकदम नगण्य है। एक राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए इस रैली का मूल उद्देश्य है। मेरा नाम ध्रुव श्रीवास्तव है, मैं कायस्थ विकास परिषद का संरक्षक हूँ।